हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रीतो की इजी रेसिपीज में। तो आज हम लेकर आए हैं एक डिलीशियस और यम्मी सा तहरी कह लीजिए, पुलाव कह लीजिए या खिचड़ी कह लीजिए। ये व्रत के समा के चावल का बनने वाला ये रेसिपी है। ये बहुत डिलीशियस बनता है, बहुत टेस्टी बनता है। तो आप इसको वेट लॉस में डेली ले सकते हो, ये बहुत फ़ायदेमंद होता है। तो बने रहिए हमारे चैनल पे, एक लाइक ज़रूर कर देना और न्यू हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए हम बनाते हैं डिलीशियस यम्मी रेसिपी। तो यहाँ पे देखिए, मैंने धनिया लिया है कट करके, एक आलू मीडियम कट करके ले लिया है, टमाटर एक मीडियम कट करके ले लिया है और ग्रेटेड यहाँ पे अदरक लिए हैं एक चम्मच और एक हरी मिर्च मैंने स्लाइस में कट कर लिया है। तो बस सामग्री मैंने रेडी कर लिया है और यहाँ पे मैंने आधी कटोरी के करीब सवा के चावल लिए हैं। ये थोड़ा सहराता है चावल, मतलब ज़्यादा बनता है। तो चलिए बनाते हैं। यहाँ पे मैंने कुकर रख दिया है गैस पे। यहाँ पे एक चम्मच हम घी डालेंगे, घी में ही बनाना, घी ज़्यादा लगता नहीं है, थोड़ा सा ही लगता है लेकिन बहुत टेस्टी बनता है। यहाँ पे मैंने आधा चम्मच जीरे का तड़का लगा दिया है, हरी मिर्च डाल दिया है, अदरक ग्रेट किया हुआ डाल दिए हैं और इसके बाद हम आलू डाल देंगे और थोड़ा सा इसको सॉटे कर लेंगे। इसके बाद इसमें हम टमाटर डाल देंगे। तो टमाटर को हम पहले से ही डाल के पका लेंगे ताकि अच्छे से टमाटर जो है सब्ज़ी में मिक्स हो जाए। तो यहाँ पर मैंने टमाटर को डाल दिया है और इसको थोड़ा सा हम सॉटे कर लेंगे। अब इसके बाद इसमें हम डालेंगे मसाले। तो एक चौथाई चम्मच काली मिर्च, आधा चम्मच चाट मसाला और इसके बाद स्वाद के अनुसार सेंधा नमक डाल दिए हैं। थोड़ा सा हमने यहाँ पे लाल मिर्च पाउडर डाल दिया, थोड़ी सी हल्दी डाल दिए हैं। अगर आप व्रत में हल्दी खाते हो तो तभी डालना, नहीं तो मत डालना, स्किप कर देना। उसके बाद आधा चम्मच मैंने यहाँ पर धनिया पाउडर डाल दिया है। बस थोड़ी थोड़ी मैंने यही सब्जियां डाला है और बस इसको हमें मसाले को भून लेना है। तो आप इसको वेट लॉस में डेली ले सकते हैं क्योंकि ये पेट भी भर जाता है, एनर्जी फुल भी रहता है और जो है वेट में काफ़ी मदद जो है करता है ये। तो ये देखिए, मुझे 3 से 4 मिनट लगा भुनने में और मसाले अच्छे से कुक हो गए हैं। अब इसमें हम चावल डाल देंगे। तो चावल को मैंने 2 से 3 पानी से अच्छे से इसको धुल लिया है ताकि इसमें जो है थोड़ी सी गंदगी होती है, तो अच्छे से इसको साफ़ कर लो। उसके बाद इसको हम 1-2 मिनट तक इसको भून लेंगे चावल को मसाले के साथ अच्छे से। अब इसमें हम डालेंगे मूँगफली कम से कम 10 ग्राम के करीब। मूंगफली से क्या होता है ना, एकदम क्रंची सा स्वाद आता है, एकदम बढ़िया चटपटा सा, तो इसलिए मूंगफली आप स्किप भी कर सकते हो लेकिन मूंगफली ज़रूर डाला। मूंगफली से जो है स्वाद बहुत लाजवाब होता है। बस इसके बाद यहाँ पे मैंने पानी डाल दिया है और ये झटपट बनने वाला नाश्ता है, बिल्कुल टाइम नहीं लगता, ज़्यादा से ज़्यादा 5 मिनट लगता है। इसके बाद लास्ट में मैंने यहाँ पर धनिया और जीरा भुना हुआ पिसा हुआ डाल दिए हैं। थोड़ा सा मैंने यहाँ पर आमचूर पाउडर डाल दिया है और बस इसमें हम लगा देंगे लिड। और हाँ गाइस, 1 चम्मच यहाँ पे घी अलग से डाल देंगे, इससे क्या होगा आपका जो खिचड़ी या पुलाव तहरी जो भी बनेगा एकदम खिला खिला बनेगा। तो ये देखिए 2 सीटी आ गई है और बढ़िया से ये देखिए मेरा गर्मा गर्म समा के चावल की खिचड़ी बनके रेडी हो गई है। अब इसमें हम डाल देंगे ढेर सारा हरी धनिया। तो आप ज़रूर बनाइए, इंजॉय करिए, आपको बहुत टेस्टी लगेगा और रायते के साथ चटनी के साथ आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो देखिए मेरा खिला खिला ये तहरी पुलाव बन के रेडी हो गया है। ऊपर से मैं यहाँ पे थोड़ी सी हरी धनिया और डाल दूँगी ताकि खाने में और डिलीशियस लगे। और इसके बाद यहाँ पे बगल में रख देती हूँ रायता। तो बस यहाँ पे थोड़ा सा धनिया जीरा भुना हुआ पिसा हुआ वो डाल दूँगी और थोड़ा सा इसमें हम डाल देंगे चाट मसाला। तो बस आप दही के साथ गर्मा गर्म सर्व करिए, इतना टेस्टी एंड डिलीशियस। नवरात्र के 9 दिन में इतनी अलग अलग रेसिपी मैं लेकर आई हूँ कि आप जो है खाना खाना तो भूल ही जाएंगे, आपको बस यही व्रत का खाना ही याद आएगा। इतनी बढ़िया बढ़िया यम्मी डिलीशियस रेसिपी लेकर आई हूँ। तो ये रहा मेरा जो है समा के चावल की खिचड़ी, ज़रूर बनाइएगा, इंजॉय करना और न्यू हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, शेयर कर देना और जो है एक लाइक तो बनता है। मैं मिलती हूँ न्यू रेसिपी में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।